2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी जनसभाओं को संबोधित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद जितने भी भाषण दिए हैं उनमें अल्पसंख्यकों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नारा भी बदला। पहले नारा था सबका विकास सबका साथ, अब नारा हो गया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यकों का विश्वास भी चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे बनारस जाएं, चाहे राष्ट्रपति भवन में भाषण दें, या फिर जीत के बाद कोई खुला पत्र लिखें, अल्पसंख्यकों का जिक्र वो हर बार कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर कहते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों को पहली पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ छला है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से अल्पसंख्यकों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़कर अब देश में सबको एक साथ लेकर चलने की मुहिम शुरू की जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान पर जनता को विश्वास है और गर्व भी है। लेकिन इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर विपक्षी दल सवाल ना उठाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो AIMIM प्रमुख यहां पर जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कहते हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्पसंख्यकों पर ऐलान जो वो करते हैं, इसे भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाकर मैदान जंग में उतारी गई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो जीती भी है, इसके साथ ओवैसी ने जोड़ा है। ओवैसी क्या कहते हैं साध्वी पर बात करते हुए, साध्वी पर बयान देते हुए, और इस बयान की कड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ते हुए, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। साध्वी प्रज्ञा भोपाल के लोकसभा क्षेत्र से जब साध्वी प्रज्ञा को प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने मैदान जंग में उतारा, कई तरह के सवाल इस पार्टी पर उठे, कई तरह के सवाल जनता ने इस पार्टी पर उठाए, और सबसे पहला सवाल यहां पर किया गया पार्टी से कि आखिर अल्पसंख्यकों को लेकर आपकी राय क्या है, क्योंकि अगर आपकी राय इस अल्पसंख्यकों वाले समुदाय को लेकर जरा भी ठीक है, जरा भी सकारात्मक है, तो आपने साध्वी प्रज्ञा को टिकट क्यों दिया है? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने साध्वी प्रज्ञा को सपोर्ट ही किया, जिसका नतीजा ये निकला, दिग्विजय सिंह को हराकर भोपाल में साध्वी प्रज्ञा जीत गई। अब जीत तो साध्वी प्रज्ञा गई, लेकिन जीत के बाद यहाँ क्या उन्हें चैन और सुकून से जीत का जश्न मनाने का मौका मिला? इसका जवाब है नहीं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साध्वी प्रज्ञा की जीत के बाद कई तरह के इल्जाम लगाए पार्टी पर, साध्वी प्रज्ञा के कई काले राज खोले, साध्वी पर बरसे ओवैसी, और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी साध्वी के मामले में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। बता दें आपको, साध्वी प्रज्ञा की जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी से किया गया सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अल्पसंख्यकों को लेकर राय पर, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टी साध्वी प्रज्ञा जैसी प्रत्याशी मैदान जंग में उतारती है। साध्वी प्रज्ञा जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात करती है, साध्वी प्रज्ञा जो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी भी रही है, साध्वी प्रज्ञा को मैदान जंग में उतार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी की है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इस तरह के इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी लगाते हैं साध्वी प्रज्ञा पर। हालांकि आपको बता दें, जब साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल के लोकसभा सीट के लिए, तब सबसे ज्यादा बवाल असदुद्दीन ओवैसी ने ही मनाया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ही यहां पर साध्वी प्रज्ञा पर कई तरह के आरोप लगाए, और साध्वी प्रज्ञा के बीते हुए कल से जुड़े कई काले चिट्ठे खोलकर जनता के बीच साध्वी की छवि को खराब करने की भी कोशिश की। हालांकि बावजूद इसके साध्वी प्रज्ञा भोपाल से जीती हैं, और जीत के बाद ओवैसी साहब कहते हैं
कि भारत की जनता के दिमाग में इस बार घोटाला हुआ है। इस बार घोटाला ईवीएम में नहीं, इस बार घोटाला जनता की मानसिकता में है।